के उपचुनाव की तारीखों की घोषणा करते हुए दंतेवाड़ा का सियासी पारा सरगर्म होने लगा है। राजनीतिक दलों के पास प्रचार प्रसार के लिए एक महीने से भी कम वक्त है और हर बार की तरह इस बार भी कांग्रेस और बीजेपी में सीधी टक्कर होती नजर आ रही है। अभी किसी भी दल ने उम्मीदवार को लेकर अपने पत्ते नहीं खोले हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम और बीजापुर विधायक विक्रम मंडावी पार्टी स्तर पर लगातार बैठकें कर मतदाता का मिजाज भांप रहे हैं। 2018 आम चुनाव में कांग्रेस दंतेवाड़ा सीट गंवा चुकी है। दूसरी ओर बीजेपी मैदान में दिवंगत विधायक भीमा मंडावी की पत्नी ओजस्वी मंडावी को टिकट देकर मैदान में उतारने की तैयारी में है। कांग्रेस पार्टी के कई दावेदारों में कर्मा परिवार से ही दो दावेदार देवती कर्मा और छविंद्र कर्मा के साथ ही सोनाराम सौरी जैसे नए चेहरे दौड़ में शामिल हो सकते हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव के ठीक दो दिन पहले विधायक भीमा मंडावी सहित पांच जवानों की हत्या हुई थी और उपचुनाव की नौबत आई। दंतेवाड़ा एसपी ने चुनाव संपन्न करवाने के लिए 7 अतिरिक्त कंपनियों की मांग की है। इतना ही नहीं 28 अति संवेदनशील नक्सल प्रभावित इलाकों के पोलिंग बूथ भी इस बार शिफ्ट किए जाएंगे। तो मैं तो लड़ूंगा और यहाँ का जो ना लड़ूंगा जीत गया तो मेरी जो की मुख्य उद्देश्य ये है कि यहाँ जो ना जितने बेरोजगार है स्थानीय लोगों को ही यहाँ सर्विस दिया जाए, चाहे शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब हो, चाहे अन्य जेंडर हो, कम से कम स्थानीय पढ़े लिखे लोगों को यहाँ दमदारी के साथ अपनी की दावेदारी कर रहे। और रही बात पिछले चुनाव में हमसे कुछ गलतियाँ हुई थी, हम मैनेजमेंट करने में सफल नहीं हो पाए थे जिसके कारण हम लोगों को दंतेवाड़ा से भारत का सामना करना पड़ेगा। हम लोग पूरी तैयारी के साथ अभी संगठन भी प्रत्याशी बिलासपुर में सामान्य वर्ग